नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। बढ़ती ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, साथ ही आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने की संभावना है। वहीं घने कोहरे के बाद आम लोगों की कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच कानपुर से ठंड से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। क्या है वो खबर, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में ठंड का कहर जारी है। हालात ये है कि ठंड अब जान पर भी भारी पड़ने लगी है। कानपुर में ठंड के चलते 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बता दें कि लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनय कृष्णा ने बताया कि गुरुवार को लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान में हृदय रोग की समस्या को लेकर 723 मरीज आए। गुरुवार को हार्ट अटैक से पीड़ित 41 लोग कार्डियोलॉजी में भर्ती कराए गए। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के जो रोगी आ रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो गया था। ठंड दिल और दिमाग दोनों पर भारी पड़ रही है। गलन की वजह से नसों में सिकुड़न आने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, साथ ही नसों में खून का थक्का जमने से हार्ट और ब्रेन अटैक पड़ रहा है। सर्दी में जो खून की नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और गर्मी में फैल जाती हैं। ये आपने देखा होगा कि किसी के अगर हाथ को गुनगुने पानी में डुबाया जाए तो हाथ दिखने में लाल लाल दिखने लगता है, क्योंकि नसें फूल जाती हैं। उसके विपरीत सर्दी में नसें सिकुड़ जाती हैं। तो जिन लोगों के पेशेंट्स के आर्टरीज में रुकावट है किसी प्रकार की 30-40-50% की, तो वो जब सिकुड़ेगी नस तो रुकावट और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। ये टेक्निकल कारण है कि सर्दी में सभी इस प्रकार के रोग बढ़ जाते हैं, चाहे वो एंजाइना हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो। इवन जिसके पैर में या हाथ में ब्लड सप्लाई कम है, उनके भी सिम्टम्स सर्दी में बढ़ जाते हैं। भीषण सर्दी के चलते गुरुवार को अकेले कानपुर में 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साथ ही जो डायबिटीज, गुर्दा, लीवर का पुराना रोगी है, उनके लिए खतरा अधिक है। कार्डियोलॉजी इमरजेंसी और ओपीडी में गुरुवार को भी अधिक संख्या में मरीज पहुंचे। मुख्य बात तो यही है कि सर्दी से बचाव करना है। रात को जब सोए तो गरिष्ठ भोजन न करें, हल्का सुपाच्य भोजन रात में खासतौर से होना चाहिए। नॉर्मली होता ही है कि लोग दिन में तो कुछ मिला नहीं मिला, खाया नहीं खाया, और रात में काफ़ी हैवी खाना अचक के खा लेते हैं, वो नुकसानदेह होता है। उसके अलावा जो सर्दी में टेम्परेचर नोटिस किया गया है कि दिन में 12 बजे से 4 बजे तक का समय ऐसा है जिस समय की टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, जो कि शरीर को दुष्प्रभाव नहीं पहुंचाएगा, तो लोगों को घर के बाहर जो वॉक करने निकलते हैं, पार्क वगैरह में वॉकिंग करने जाते हैं जहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं, वहाँ पे 12 बजे से 4 बजे के बीच में ही वॉक करना चाहिए। इससे पहले या बाद में वॉक करने के लिए अगर निकल के जाते हैं पार्क वगैरह में, तो उससे नसें सिकुड़ेंगी और समस्या बढ़ सकती है। कानपुर LPS हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर का ये भी कहना है कि सर्दियों में रोगियों की तबीयत अधिक खराब होती है। एहतियत बरतने के साथ रोगी कंट्रोल रूम से संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। रोगी को दिक्कत होने पर परिजन तुरंत अस्पताल लेकर आए। इधर उधर भटकने से रोगी की स्थिति और खराब हो सकती है। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।